हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग में। तो गाइस, अक्सर हम लोग को पिज्ज़ा खाने का बहुत मन करता है हम लोग भी चीज़ बस्ट पिज्ज़ा खाएं, और उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है और बाहर पैसा खर्च बिल्कुल ना करें, घर में ही चीज़ बस्ट पिज्ज़ा खा के बना सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो ज़्यादा देरी ना करते हम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर मैंने लिया पहले 1 कप मैदा। अब मैदा को हम चलने की मदद से इस तरीके से चाल लेंगे, चूँकि बाहर से आता है तो थोड़ा चाल लेना अच्छा रहता है, तो इसको हम चाल लेंगे। चालने के बाद अच्छे से इसको जो भी हमारा बचेगा उन वक्त उसको फेंक देंगे ऊपर जो भी बचेगा। फिर इसमें हमने ऐड करना है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। फिर इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैश कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा डो पानी डालकर डो रेडी करेंगे, ज़्यादा पानी इकट्ठे ना डालें, क्योंकि इसका जो डो ना हमें गीला बनाना है, ज़्यादा हार्ड बनाना है। इसका बहुत स्मूथ सा डो रेडी कर लेना है और हाथ से बहुत अच्छे से पटक पटक इसका डो रेडी करें। जितना हाथ से इसको पटक के डो रेडी करेंगे उतना हमारा जो पिज्ज़ा है बहुत सॉफ्ट बनेगा। और हाथ की मदद से इस तरीके से ही पिज्ज़ा का शेप बना लेना है, बेलन से नहीं बेलना है। फिर एक फोक की मदद से पूरे पिज्जे के ऊपर इस तरीके से होल बना लेना है। फिर यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून पिज्ज़ा सॉस लिया है, फिर मैंने 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस भी लिया है। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत अच्छा पसंद करते हैं। और ये मेरा होममेड मोज़ेरेला चीज़ है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अब इस तरीके से हम कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। आप क्यूब भी डाल सकते हो, बट अगर कद्दूकस आप करोगे तो इसका जो चीज़ है ना बहुत अच्छे से मेल्ट होता है। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ कट कर ली है, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, फिर प्याज स्लाइसेस में पतला पतला कट कर लिया है। अब जितना हमको सब्जी इसमें वेजिटेबल्स आएगा उतना हम इसमें डाल देंगे, एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको हम किसी सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो पूरे पिज्जे बहुत अच्छे से रख दिए हैं सारे सब्जी को। फिर ऊपर से एक लेयर हमें फिर से मोज़रेला चीज़ को डाल देना है। अब कढ़ाई को कर लेना है, गैस को कर लेना है ऑन, कढ़ाई बैठा देना है। अब यहाँ पे नमक डाल के इसको उसके ऊपर इस तरीके से स्टैंड रख देना है और इसको हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए आप ढक दे कढ़ाई को, बहुत अच्छे से हीट होना चाहिए। फिर 10 मिनट बाद किसी प्लेट में आप पिज्जे को निकाल ले, फिर इसको कढ़ाई में डाल रख दे और 20 से 25 मिनट तक इसको पकने दे। तो देखो 20 से 25 मिनट तक बहुत अच्छे से चीज़ जो है हमारा मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया। लो रेडी है हमारा एकदम गर्मा गर्म चीज़ बस्ट पिज्ज़ा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी बनाएगा इस। और ना ही इसमें मैंने ईस्ट का यूज़ किया है, ना ही ओवन का, एकदम कढ़ाई में ही चीज़ बस पिज्ज़ा बन के रेडी हो गया है गाइस। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से बनाओ, पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक।